हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और आपका एटलीस्ट एट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है? मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आप सबका जो है अच्छे से इस बार क्वालिफाई भी हो जाए। माय नेम इज भूपेश शर्मा। आई टीच यू फॉर इंग्लिश लिटरेचर सेट नेट एंड गेट एग्जामिनेशन ऑन माई ऐप माई प्रोफेसर नोट। अभी क्लास है मेरी, तो हम क्विकली इसे देखेंगे, इस पूरे पेपर को हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोगों को एनरोल होना है तो आपका जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक्स और कॉन्टेक्ट्स आपके प्रोवाइडेड हैं फॉर कोर्सेज के लिए भी, स्टडी मटेरियल के भी, मॉक टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है तो लगाना आप शुरू कर सकते हैं हमारे ऐप पे, ठीक है जी? सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पेपर अच्छा आया था, पेपर वॉज गुड। विच ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल स्टेटेड बिलो इज एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग साइटेशन इन रिसर्च? आई गो डायरेक्टली टू द करेक्ट आंसर, ठीक है? इतना हमारे पास वो नहीं है कि हम चारों ऑप्शंस को देखते रहें, तो डायरेक्ट आंसर पे ही मैं टिक करूंगा, ठीक है? आपको बताऊंगा भी, ठीक है? एनालिसिस भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका बी है द राइट वन, ठीक है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, आपका ये मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, राइट? दीज थ्री आर द वंस विच आर यूज इन द ह्यूमैनिटीज में, ठीक है? प्राइमरीली लैंग्वेज और ये लिटरेचर में आपका एमएलए यूज किया जाता है, ठीक है जी? ह्यूमैनिटीज में ये तीनों आपके यूज होते हैं द साइटेशन स्टाइल, ठीक है? हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है, जिसके हम कंटेंट को यूज करते हैं अपने रिसर्च पेपर में एंड बुक्स में, एंड दिस इज फॉर व्हाट दीज साइटेशन स्टाइल्स आर यूज्ड हियर। अगेन वी हैव फ्रॉम द एमएलए 9th एडिशन, ठीक है? अभी आपका H2 में भी PhD का होने वाला है फिर से एग्जाम, है ना? आप लोगों ने भी कुछ लोगों ने फिलअप किया होगा। ओके, सो आपको पता है कि ये APA में हम @L यूज करते हैं, एट एलिया, ठीक है? अब एटसेट्रा तो कोई नहीं होता, एग्जाम्पल भी नहीं होता, ऑल्टो तो इतना तो आप जान ही लेंगे, है ना? सो ए इज द राइट वन हियर, ठीक है जी? तो आपका साइटेशन स्टाइल से अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका कहां से आ रहा है, ये आपका 10th यूनिट से आपके क्वेश्चन आपके बने हैं, रिसर्च मेथड एंड मटीरियल इन इंग्लिश, ठीक है? आपका जो 10th यूनिट है, ठीक है जी? तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं रिसर्च से। देन वी हैव डैश Develop the idea of implicature that is not a part of literal meaning of the utterance but inferred by the hearer on the basis of previous knowledge and conversational context. अब देखो एक चीज है यहाँ पे, ये जो implicature, ये जितने भी आपके phenomena हैं, they are the part of the pragmatics. Pragmatics, pragmatics is the study that how context contribute dash develop the idea of implicature. तो implicature का आपका जो idea है ना, ये HP guys ने आपका दिया है, ठीक है? इट सेज के आपका कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप जो वर्ड बोलते हो ना, उसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फोर से आप कहीं रूम में बैठे हो, आप यू आर सेइंग इट्स वेरी हॉट इन हियर, आपका मतलब यहाँ पे है कि यार विंडो खोल दो, समबडी माइट हैव यू नो जस्ट क्लोज द विंडोज, और पंखा नहीं चल रहा है और गर्मी बहुत है, यू गो लाइक यार गर्मी बहुत है यहाँ पे, दैट इज अ इनडायरेक्ट वे टू से। और कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो राइट टू पर्सन, और वो विंडो खोल देते हैं, ठीक है? आपका इंटेंट वो है, राइट? यू सी, तो वो है इम्प्लीकेशन, मतलब आपके ये कॉन्टेक्स्ट पे चीजें डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे क्या बोल रहे हो। इट डजंट से कि आप विंडो खोल दो, यू सिंपली सेइंग इट्स रियली हॉट इन हेयर एंड द पर्सन गोज एंड ओपन द विंडो, ठीक है? सो दैट्स व्हाट इट इम्प्लाइज हेयर। तो वो जो इम्प्लीकेशन, यहाँ से इम्प्लीकेचर से आप इम्प्लीकेशन भी आप समझ सकते हो, या इम्प्लाई, जो आप इनडायरेक्टली इम्प्लाई करते हो, राइट? वो चीज है। जॉन सरले एंड जॉन ऑस्टिन दोनों ने स्पीच एक्ट करके ना एक थ्योरी दी है, उस पे हम इतना डेल्व नहीं करेंगे, 2-3 घंटे की वीडियो चली जाएगी, ठीक है जी? ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन वाज बिट ट्रिकी, मुझे ट्रिकी लगा क्योंकि यहाँ पे फ्लो दो वर्ड्स में ही बन रहा है। तो और ऐसा होगा, अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, डोंट ट्राई टू यू नो डोंट ट्राई टू रिलेट ऑल दीज फोर ऑप्शंस, उन सबके बीच लिंक ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आपको दो के बीच भी मिलता है तो उसके बाद भी आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं टू टू पिक द राइट ऑप्शन, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इफ आई स्टडी दिस, माई
माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज बोथ एन एडवांटेज एंड अ हिंड्रेंस. इसके बाद इसका लिंक बन रहा है फर्स्ट वन के साथ. इन इंग्लिश आई कैन कंसिडर वट आई राइट, आई कैन स्टॉप आफ्टर एवरी सेंटेंस टू लुक फॉर द राइट वर्ड्स टू रीऑर्डर देम एंड चेंज माई माइंड 1000 times. सो इसके बीच ना एक लिंक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज द वन आई विल गो विद. डी इज द राइट अकॉर्डिंग टू मी हियर. तो ये है. बाकी द डायमंड नेकलेस राय दे मॉपसंत, आपके ये फ्रेंच राइटर्स हैं, ठीक है. सो इन दिस स्टोरी विच इज ऑन द रियलिटी एंड द अपियरेंस, like the lady is not rich but she tried to be rich, right? She pretends to be rich. Inside she is empty, you know. She knows that she is not the rich lady but she trying to be, she is pretending. And inside you are always feeling weak, you are not confident enough. To aap bahar se cheezein apply karte ho to look that different person or a confident guy, theek hai. So Matilda is the main character here, theek hai. और लॉयस सेल्स इज द फैमिली, ठीक है. लॉयस सेल, दीज आर द लॉयस सेल कपल्स, ठीक है. सो ये आपका जो है मेन करेक्टर यहाँ पे है. इट्स अ ग्रेट स्टोरी बाय गाय दे मॉपसान. मुझे ये मिली थी नॉवल, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरी है ना, बाय गाय दे मॉपसान. इन ग्रेजुएशन मुझे मिला था ये एज अ प्राइज बुक. Which of the following American writers has exerted tremendous influence on Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi पे देखो थॉरियू का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. जो इनका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ना, कॉरपोरेशन का जो मूवमेंट था, अरे पेन ना कभी हिल जाता है. नॉन कॉरपोरेशन का जो मूवमेंट था, चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं. नॉन कॉरपोरेशन का जो मूवमेंट था उस पे, उस आइडिया को डेवलप करने के लिए, सत्याग्रह का जो आपका आइडिया था उसको डेवलप करने में इनका काफी जो है एक इन्फ्लुएंस रहा था थॉरियू का. द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस वन ऑफ हिज वर्क एज अ एंड द लाइफ एंड द प्रिंसिपल्स एक वर्क है आपका ये थॉरियू के. तो उनका काफी अच्छा जो है इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी पे था. जॉन रस्किन का था, ठीक है, अनटू द लास्ट. सो वो कुछ चीजें हैं. नाउ वी कम टू द सेवंथ वन हियर ड्यूरिंग. अब ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ है, ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ है, हम इसे रख सकते हैं. आपका महात्मा गांधी भी है और थॉरियू भी है. आप इसे अमेरिकन लिटरेचर में भी आप काउंट कर सकते हो, आप इसे इंडियन लिटरेचर में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग द रिसर्च द बेसिक पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज टू फेमिलराइज रिसर्चर विद वर्क ऑलरेडी डन. आप रिव्यू क्यों करोगे, to know ना कि you have to find the gap, right? You have to find the gap that कि कहाँ पे gap है इस research में, कहाँ पे मैं work कर सकता हूँ. You have to find that niche area, right? So C is the correct one here. ये आपका research से again आपका एक question यहाँ पे आ गया है. Then we have select the correct option highlighting different types of research based on descriptive research. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है आपका कहाँ पे आप यूज करते हो, ठीक है. ऑब्जर्वेशनल मेथड जहां पे आप चीजें ऑब्जर्व करते हो, राइट, दैट इज दी अनदर टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है. प्लेजरिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिक्रिएशन मेथड नहीं है आपका, ऑब्जर्वेशन मेथड है जहां पे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है. हम उसे एम्पेरिकल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है. तो सी इज द राइट ऑप्शन है. फिर आते हैं हम नाइन्थ वन पे. डैश कंसिडर्स डैश एज द लेजिस्लेटिव साइड ऑफ लैंग्वेज दैट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर एंड होमोजेनिटी ऑफ द लैंग्वेज. डैश इज द एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ लैंग्वेज, पेरोल इज डैश एंड लैंग्वेज इज डैश. अब लैंग का हमें पता है, पेरोल का हमें पता है कि जो पेरोल है वो कंक्रीट है और लैंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है. तो यहाँ पे दो चीजें ये आ गई, ठीक है. बट नाउ हियर यहाँ पे चीज जो हमें और एक ध्यान में रखनी है कि एज द लेजिस्लेटिव साइड ऑफ लैंग्वेज दैट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर एंड होमोजेनिटी ऑफ द लैंग्वेज. सो ये जो होमोजीनियस नेचर है वो आपका किसका है, वो आपका लैंग का है. क्योंकि जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट विल बी द सेम. आपका जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, जो रूल वर्क करता है बिहाइंड द लैंग्वेज, दैट विल बी सेम. योर डायलैक्ट, योर स्पीच विल चेंज, ठीक है, वो आपका चेंज होता है.
सो ये तो डायरेक्टली नहीं आएगा, इसके बाद इट विल कम ऑन द सेकेंड वन, राइट? सो लैंग इज हेयर, सो बी इज द राइट वन आई ऑप्शन, राइट? बी इज द राइट वन हेयर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ द लैंग्वेज इज योर पेरोल, ठीक है? आप इसे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? दिस इज समथिंग पीपल कैन सी एंड हियर, राइट? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब ये आपका क्वेश्चन कहां से पूछा गया? आपका लिंग्विस्टिक से पूछा गया. ऑलराइट, सो चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. इट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, यस. इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, यस. इट इज इंस्टिंक्टिव. ये इंस्टिंक्टिव नहीं है. आपकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? वो कन्वेंशनल होती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होती है. कलेक्टिवली एक सोशल स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है? इंस्टिंक्टिव नहीं होती है. इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, ऑब्वियसली. सो सी इज नॉट द वन. और ये आपका लिंग्विस्टिक्स का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया है, नहीं तीसरा हमें मिला है. एचपी ग्राइस था पहले, इम्प्लीकेचर, राइट? इम्प्लीकेचर के पास आसपास ही कहानी भी है लोकल, पर उतना वक्त नहीं है हमारे पास. सो इलेवेंथ वन, अनीता देसाई वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर विच नॉवल? फायर ऑन द माउंटेन के लिए ना यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. ये इंडियन लिटरेचर का हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया? सो इट इज योर वेद मेहता, ठीक है? अब जो आपका अपकमिंग का जो नेट एग्जाम है उसके लिए वी एस नायपॉल, इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट है. आपका ई एम फॉस्टर्स, एन सी चौधरी, ठीक है? एन सी चौधरी हैज गिवन अ रिप्लाई टू दी वर्क ऑफ ई एम फॉस्टर्स, पैसेज टू इंडिया, एंड द एन सी चौधरी ब्रॉट द पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? और अगर आप अभी अपने अपकमिंग नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कुछ जो क्रूशियल एरियाज हैं, यू वॉन्ट टू गेट अ गुड होल्ड ऑन दोज एरियाज इन ऑर्डर टू स्कोर गुड, बेटर, तो मैं आपको अपने दो बुकलेट्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, वो मैं आपको रेफर करूंगा, और द मॉक टेस्ट, ठीक है? ये तीन चीजें इन रिमेनिंग टाइम आप कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपकी छुट्टी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि अब आप सारा ही कवर कर लोगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बुकलेट बोलूंगा. एक ब्रिटिश ब्रिटिश लिटरेचर है, एक लिटरेरी थ्योरी है, और मॉक टेस्ट. ये तीन चीजें आप कर लेना हमारे प्रोफेसर नोट से. लेट मी राइट हियर द नंबर एज वेल फॉर यू, ठीक है? यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन ऑन दिस नंबर 9625101499. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम हियर. दिस इज दी अ पैराग्राफ, क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो इज नॉट इट अ डेंडी जिम? आई हॉन्टेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट. यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times अ डे नाउ. गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट. इंस्टेड ऑफ ऑबेइंग जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड. वेल, सेड ही, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप एम अवाइल. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम्स एंड यू स्पोज, एंड नाउ स्पोज यू पुट द चॉप्स ऑन. मीन शी शेव्ड हर हेयर्स, ठीक है? द मैगी एज यू नाउ वर वाइज मैन, द थ्री मैगी स्टोरी यू सॉ, दे वेंट टू सी द जीजस राइट आफ्टर हिज बर्थ. दे विजिट हिम देयर वंडरफुली एंड दे ऑल्सो यू नो प्रेजेंटेड हिम विद द गिफ्ट्स. वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर. मैंगर आपका एक बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, जिसमें आपका फूड दिया जाता है एनिमल्स को. सो इन दैट मैंगर दैट बेबी वॉज कैप्ट, राइट? दोज विद द गोट एंड शिप हर्डर्स, ठीक है? दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give the received gifts,
of all who give and receive gifts, such as they are wisest, everywhere they are wisest, they are the Magi. ये तीन मैगीज आपके जाते हैं ना जीसस को after his birth to see him, ठीक है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाते हैं. This passage belongs to it's a short story, right? And the main action of the passage is exchange of Christmas presents. ठीक है जी, मैगी इज अ टर्म यूज इन द बाइबल में, आपका ये यूज हुआ है द मैगी. आपका टी एस इलियट हैज ऑल्सो रिटन अ वर्क अराउंड दिस दिस कॉन्सेप्ट. जिम एंड डेला आर वाइजेस्ट बिकॉज दे आर लवर्स हु सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर दे आर मोस्ट प्रीशियस थिंग्स. ठीक है जी, देन वी हैव द सर वॉल्टर स्कॉट वॉज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट विद डैश नॉवल, हिस्टोरिक नॉवल. ठीक है, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा है. ठीक है, वेवरली नॉवेल्स, वेरी फेमस फॉर हिज वेवरली नॉवेल्स. वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वन्स ओन इज बेस्ड ऑन अ लेक्चर ऑन द टॉपिक वुमेन एंड फिक्शन. तो ये आप पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है अपने आपके जो भी नेट का आपका एग्जाम होगा. ये आपका कहां से पूछा गया है, अब आप इसे ब्रिटिश लिटरेचर में प्रोज से आपका ये वर्क आया है. ठीक है, द डायनेमिक ऑफ द प्रवर्स प्रवर्जन इज अ वर्ड वॉज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड बाय जोनाथन डॉलेमोर. जोनाथन डॉलेमोर इज ग्रेट ऑथर, ग्रेट क्रिटिक, राइट. आई रियली लाइक हिज पर्सपेक्टिव अबाउट थियोरी एंड लिटरेचर, क्योंकि ये एक ना आपका प्रैक्टिकल वे में लिटरेचर को डील करते हैं. And like he tried to relate it to the life more than to the books only. और ये मुझे बहुत अच्छा इनका एक चीज लगती है. I saw one of his interview, which was inducted on one of, in the university in Kerala. ठीक है, वो YouTube पे भी आपको मिलेगा. A great scholar. So sexual dissidence में इनका जो है सबसे पहले हमें ये perverse देखने को मिलता है, right? Dynamics of perverse and it is used in regard in relation to the history, I would say the perversion of history, right? कुछ ऐसा statement था, but आपका ये perverse जो है here first time he explored in the sexual dissidence. उसके बाद से D में use किया, यहाँ इस वाले work में भी use किया, and four of these works are written by the Jonathan Dollimore. ठीक है, तो next time जब आप जाएंगे HP set के लिए तो इसके बारे में जरूर आप करके जाना. ठीक है, and if you will be taking classes from me, So I'll be guiding you. ठीक है, फिर आपका काम बस सिर्फ पढ़ने का होगा कॉन्टेंट, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, entire thing I'll be taking care of. 20 now. Who among the following described herself as a radical lesbian feminist? Consider करते हैं केट मिलेट को. केट मिलेट को सभी बोलते हैं, like she's considered as a radical lesbian feminism. But Mary Daly is the one. Who described herself कि मैं हूं radical lesbian feminist? What you talking about? ठीक है, तो ऐसे करके मुझे यहाँ पे बड़ा ही awkward सा डायलॉग याद आ रहा है. इस लास्ट वाले नाम को देख के मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, थिंक वो गंगूबाई में था कहीं, है ना. तो इट्स बेटर दैट वी डोंट से इट हियर, इट्स बेटर दैट आई डोंट परफॉर्म इट हियर. व्हेन सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट words in a language, when symbols are used to represent words in a language, they are described as examples of word writing called logograms. ठीक है, logogram is the right option here. So I think ये fourth question हो गया है आपका linguistics से, हमारा यहाँ पे language and linguistics से. The lexical relation between bank of a river and a bank, a financial institution, is called homonyms. Homo means same, similarities. ठीक है, तो similarities है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे C आपका जो है correct option है. Then comes the who is the founder of the Chicago School of Literary Criticism. Who is the founder of the Chicago School of Literary Criticism? So it is your Ronald Salmon Crane.
ठीक है, रोलन बार्थेस इज नॉट, आईरिज इज नॉट, योर कॉम्पटन विकेट इज नॉट, सो इट इज योर ए रोनाल्ड सेलमन क्रेन, ठीक है, एंड इट वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, बिकॉज दे वर इंटायरली फोकस्ड ऑन इस कॉन्टेंट एंड द फॉर्म, ठीक है, और ये शिकागो स्कूल्स वर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट द ईच राइटिंग बाय रेफरिंग टू द क्लासिकल राइटर्स जो आपके कैनन्स होते हैं, ठीक है, उनको रेफर कर करके ये क्या है आपकी राइटिंग को ऑथेंटिकेट करते थे, जबकि न्यू क्रिटिक्स वर कंप्लीटली फोकस ऑन द कॉन्टेंट, सो इट वॉज एज अ रिस्पॉन्स फाउंडेड राइट टू द न्यू क्रिटिसिज्म. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे इस टर्म से, तो टर्म इज यूज्ड बाय द टीएस एलियट इन हिज एसे टाइटल द मेटाफिजिकल पोएट्स, क्योंकि मेटाफिजिकल जो जो पोएट्स थे इन देयर राइटिंग ही फाउंड द एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, उनका थॉट ऑफ फीलिंग्स वर इन अ सिंक, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड विद द मिल्टन और जॉन ड्राइडन योर ब्राउनिंग एंड द टेनिसन, what they were writing, what they were feelings, what they were thought, what they were thinking, all of these things were in a conflict, there was a clash, theek hai, wo unki writing bahut zyada philosophical hoti thi, they have not felt what they thought or what they wrote, right, so this is what it means here, so 25 25th hamara yahan pe naya question hai, who among the following has given the concept of emotive and साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज, ये आपका ना आई ए रिचर्ड्स का है, ठीक है, इनके वर्क में ये है दिया है, और मुझे नहीं याद आ रहा है आपको वर्क का, बस 1929 के आसपास वो आपका वर्क पब्लिश हुआ है, एंड इट वॉज ओके फॉरगेट इट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म लास्ट नेम है उस वर्क का, प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म समथिंग लाइक दैट, बट उसमें इन्होंने यहाँ पे इमोटिव एंड साइंटिफिक करके ये आपके ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोपाउंड करे हैं. देन कम द 26th, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड फिनोमेनोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सो एडमंड हुसेल, एडमंड हुसेल इज द वन who stated that phenomenology is the science of the essence of consciousness. ठीक है? Then we have the 27th. और ये एक चीज और, अब ये जो आपके जॉर्ज पॉलेट हैं, तिज़वेंतन तोद्रो हैं, तोद्रो है, आपके जेरार्ड जेनेट हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी आपने देख लेना है अगर आप सेट नेट की तैयारी कर रहे हो ना, सो मेक श्योर यू टेक अ लुक एट दीज एज वेल, ठीक है, उन बच्चों ने अभी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, हु आर टेकिंग क्लासेस फॉर मी, राइट, एंड टेकिंग मेंटरशिप, तो आपने तो वही करना जो आप कर रहे हो, ठीक है, हाँ, आपके पास क्योंकि एक रोड मैप है ऑलरेडी, सो कीप फॉलोइंग दैट. हु अमंग द फॉलोइंग हे भगवान, मैंने ये माइक नहीं लगाया, साउंड की क्वालिटी तो बिल्कुल रद्दी होगी अभी तक, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है, ऑलराइट, इट विल नॉट बी सूदिंग ऑब्वियसली, मतलब पूरा एको, ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड डैश मिथ कैन नॉट पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट, अ कॉन्सेप्ट और एन आइडिया, इट इज अ मोड ऑफ सिग्निफिकेशन, राइट, डैश dash myth cannot possibly be an object, a concept or an idea, it is a mode of signification, is ki hai ye lines, who said this, so it is your Roland Barthes, right, mythologies is one of the work which he has written, and he write about myth, theek hai, ki kisi bhi cheez ko agar unquestionable bana dena hai na, if you don't want that somebody put a question over it, theek hai, उसके बारे में कुछ पूछे, आप यू यू टर्न दैट दैट थिंग इनटू मिथ, ठीक है, सो दिस इज हाउ, इसका फंक्शन तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बट या बी इज द वन हु स्टेटेड दिस.
Then we have the 28th question. In research, the term phenomenology is related to qualitative research. Qualitative research, because here you emphasize and focuses on the experience. Okay, so through the questionnaires and interview, you gather the data. Okay, phenomenology is all about the experience that you have after observing the event. Okay, so qualitative research is the one here. Then we have the 29th question. Let me check one more time my mic. I hope aapko voice clear hi hoga, hai na? It's been 26 minutes. Okay. Which of the following options is not in consonance? Theek hai? Matlab ek harmonious way mein, theek hai? In a sync, you can say. With the method of research. Similar or relate. Theek hai? Kaun sa jo hai? इसमें ऑप्शन जो है रिलेट नहीं करता विद द मेथड ऑफ रिसर्च. ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है. सो इट इज योर फिलोसॉफिकल. ठीक है, फिलोसॉफिकल आपका नहीं है. ठीक है जी, सो दिस इज द डी इज द राइट वन हियर. ओके, देन वी हैव द 30. अगेन आपका ये रिसर्च से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए. आई थिंक इज अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन अभी तक जो है रिसर्च से आ चुके हैं. In which of the following work Jane Baudrillard was highly critical of Marx, viewing his analysis of capital as insufficiently radical and trapped within the very categories of capitalism. So ye mirror of production main ka he was highly critical and he has criticized the views of Marxism in the mirror of production here. 30. A is the right option here. Postmodernism में हम ये study करते हैं. ठीक है, और आज class में हमारी last class होने वाली है post structuralism पे, और उसके बाद हम psychoanalysis को शुरू करेंगे अपना. Edmonds Hyman considered to be the oldest recorded literary text, a song sung by a cowherder in praise of God is a piece of Germanic alliterative verse. और मुझे ना कई बार बड़ा अजीब लगता है, ठीक है, कि इंग्लैंड के पास, ठीक है, कोई इक्का दुक्का राइटिंग्स हैं, ठीक है, इनके पास्ट की, एंड दैट इज ऑल्सो अराउंड द 7th सेंचुरी ये लिखा गया है, एंड वी हैव द लिटरेचर द स्क्रिप्चर्स विच वर रिटन 1000 ईयर्स बैक, एंड दे आर द वन टेलिंग अस कि हम अनसिविलाइज्ड हैं. मतलब हाउ मच मैन्युपुलेटिव एंड ओवर स्मार्ट पीपल वर दीज ब्रिटिशियस, है ना. हमारे पास जिनके पास इतना ज्ञान है, इनके पास एक दो राइटिंग है, बस उसी के बारे में सारा गुणगान चला रहता है. पता नहीं एक एक टर्म एक एक डिवाइस पे ये पहुंच गए हैं. हमारे लिटरेचर का भी इतना पता नहीं चला है कि उसमें आपका टोटल आपका थीम्स उसमें स्टोरीज क्या क्या है. ठीक है, like the people are unable even to read that entire literature which is being written here, right? Aur ye to usme ye tak pahunch gaye hain ki isme kaun si term lagi hai, kaun si device use hui hai, theek hai, is word ka meaning kya hai, ye kya metaphor hai. Metaphor pe to pata nahi kab Indians pahunchenge un scriptures ke. Itna aapka bada jo hai sahitya hai aapka. 32. In Beowulf, an old English epic poem, Monster Grendel is considered to be the descendant of Cain. He was the first child of Adam and Eve, who killed his younger brother Abel. So Cain, he is considered to be the descendant of Cain. First one is the right option here. Okay. A dash is a contact language that developed for some practical purpose, such as trading among groups of people who did not know each other's language. A dash is a contact language that developed for some practical purposes, such as trading among groups of people who did not know each other's language. That is a pidgin. Okay, pidgin. When we do not know the language of each other, then we use a few words, all right,
साउंड, ठीक है, कैसे भी करके हम मैनेज करते हैं बात कर, ठीक है. सो पिडगिन इज दैट लैंग्वेज हियर. क्रियोल तो आपकी फिर डेवलप्ड लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है. यू ड्रॉ दैट जब दो अलग अलग लैंग्वेजेस में आप बात करते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर से कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, आज साथ में बातें कर रहे हो. सो धीरे धीरे आप क्या करोगे, यू स्टार्ट टेकिंग देयर वोकैबुलरी, देयर साउंड, देयर ग्रामर, और एक नई लैंग्वेज बन जाएगी इंग्लिश, ठीक है. तो ये चीज है. देन है द 34th क्वेश्चन हियर. द पीरियड बिटवीन 1958 एंड 1964 इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ ऑडियो लिंग्विज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी. दो एन एम्पेरिकल रिसर्च शोड लेटर दैट इट वॉज नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज इट वॉज ऑट टू बी, इट वॉज बेस्ड ऑन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ वर्बल बिहेवियर गिवन बाय बी एफ स्किनर. ठीक है जी. सो लिंग्विस्टिक्स से आई थिंक कौन सा क्वेश्चन होगा ये, काउंट करना पड़ेगा फिर से. क्रेशन इज अगेन आपका एक इम्पोर्टेंट, आपकी लिंग्विस्ट है, सो आपने स्टडी कर लेना इनको भी. टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, सिलेक्ट द काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज. कंपाउंड तो नहीं है क्योंकि कंपाउंड में आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वेयर यू लिव, वेयर तो आपका कंजंक्शन हो गया, यू लिव आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है इस पर. टेल मी तो आपका कंप्लीट है क्योंकि टेल मी आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंटली, टेल मी बोल सकते हो. यू लिव ये तो हाफ आपका सेंटेंस हो गया. सो ये कॉम्प्लेक्स आपका है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका ये है, ठीक है. हाँ सिंपल अगर आपका होता तो फिर इसमें एक ही इंडिपेंडेंट ही क्लॉज होता और एक्सक्लेमेटरी तो आप जानते हो. सो सी इज द राइट वन हियर. देन कम 36. क्लैरिटी इज द प्राइम रिक्वायरमेंट इन प्रोज राइटिंग. क्लैरिटी इज द प्राइम रिक्वायरमेंट इन प्रोज राइटिंग. डैश बिलीव दैट गुड प्रोज इज लाइक अ विंडो पेन, दैट इज अ जॉर्ज ऑरवेल, ही इज द वन हु इज द प्रोज राइटर अमंग देम. सबने प्रोज लिखा है बट ही इज फेमस फॉर हिज प्रोज, है ना, ही इज फेमस फॉर हिज प्रोज, जॉर्ज ऑरवेल. एनिमल फार्म 1984, हिज प्रोज राइटिंग्स, इनके प्रोज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई अब एक स्पेसिफिकली नहीं है. आई वुड से 6 to 7 प्रोज इनके, ठीक है. सो वो आप जो है याद करके जाना. नॉट इन देयर, नॉट कंप्लीटली, बस उनके नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ओके. मदर इन द कैथेड्रल इज अ प्ले इन वर्स, ठीक है, वर्स में लिखा गया है, पर इसका जो सरमन होता है, जो बीच में सरमन होता है, वो आपका क्या है, वो प्रोज में है, ठीक है, प्रोज में है. इन डैश पार्ट्स 2 में है आपका, ये पोइटिक है, पोइटिक है, 2 में है, प्रोज है, और ये आपका फर्स्ट वन सही है. मर्डर इन द कैथेड्रल इज पोइटिक, राइट. ड्रामा इज इन 2 पार्ट्स विद अ प्रोज सरमन इंटरल्यूड सेट इन दी. और डैश प्ले वॉज परफॉर्म इन दी 1935 एट कैंटरबरी कैथेड्रल. अब इसमें से कुछ जो इनके पार्ट थे एडिट करते वक्त, प्रोड्यूस ने हैज रिमूव्ड अ ह्यूज कंटेंट एंड विच लेटर ऑन ही यूज इन दी बर्नट नॉर्टन. बर्नट नॉर्टन में इन्होंने इस्तेमाल किया था उसका. ये ही टॉक अबाउट द फोर एलिमेंट्स, राइट, फोर एलिमेंट्स जिससे आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, राइट, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ठीक है. ही हैज डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोज एलिमेंट्स हियर इन दिस वर्क. ये भी इंपॉर्टेंट आपका वर्क है. देन कम द 38th क्वेश्चन. व्हाट डिड हेनरी जेम्स डिस्क्राइब एज लार्ज लूज बैगी मॉन्स्टर्स. ऐसे नॉवल जिसमें आपके मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं, जो वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, उसके लिए एज अ डेरोगेटरी रिमार्क इन्होंने यूज किया था. ये ए आपका सही यहाँ पे ऑप्शन है. जोसेफ हेलर्स कैच 22 इज द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन लिटरेचर से आपका ये क्वेश्चन है. हेनरी जेम्स भी आपके अमेरिकन ही हैं. सो इट इज अ डार्क कॉमेडी, ठीक है, इट्स अ वॉर नॉवल, ठीक है, वॉर नॉवल है आपका ये, जो आपके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं एंड दे आर सेक्रीफाइंग द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स, राइट, जस्ट टू हैव मोर मेडल्स ऑन देयर ओवर देयर शोल्डर्स एंड चेस्ट, बिकॉज दे सिंपली वॉन्ट टू प्रूव दैट हाउ यू नो हाउ वेल दे आर हैंडलिंग द सिचुएशंस.
उनको तो फाइट करने नहीं जाना है, बट द सोल्जर्स आर लूजिंग देयर लाइफ्स एंड द मेन कैरेक्टर गोज इन द ट्रॉमा हेयर एंड ही रिफ्यूज टू बी द पार्ट ऑफ इट. तो ये इसका स्टोरी है, इट्स अ डार्क कॉमेडी. देन द 14th क्वेश्चन, विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड, विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द वाइट टाइगर. ठीक है, वाइट टाइगर अरविंद डिगा का नॉवल है, इस पर मूवी भी है, ठीक आप लोगों ने देखी होगी. बलराम हलवाई इज द मेन कैरेक्टर हियर, अशोक इज हिज एम्प्लॉयर, मुकेश इज द ब्रदर ऑफ द अशोक. ठीक है, सो डी इज नॉट एसोसिएटेड हियर. देन द 41th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज CCCS. इसका इस्टेब्लिशन कब हुआ था, इसका डेट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है. राइट, सो द पर्सन हु द फर्स्ट डायरेक्टर इज देयर, रिचर्ड होगार्ट. ठीक है, देयर इज स्टुअर्ट हॉल भी आपके, ठीक है, रेमंड विलियंस भी आपके, ठीक है, वो ये सारे त्रिमूर्ति ट्रायम्बियर, ठीक है, ये आपका है पूरा ग्रुप, दे आर द वन हु हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इट. सो सी इज द राइट ऑप्शन हियर. विच पोएटिक फॉर्म वॉज यूज बाय हेनरी हॉवर्ड द अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड. सो इट इज अ ब्लैंक वर्स, राइट, एंड टोटल मिसलेने. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द राइटर्स इन दैट वर्क. ठीक है, ये सोनेट्स का आपका कलेक्शन था एलिजाबेथन टाइम टाइम पीरियड में, वे वी सॉ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेट्रार्क. उस तरह से आपका जो है सोनेट केम टू द इंग्लैंड. सो 48th क्वेश्चन, द प्रिमाइज ऑफ दिस पुलिटजर प्राइज विनिंग बुक इज अ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट दैट देयर हैव बीन फाइव एक्सटिंक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट एंड नाउ ह्यूमंस हैव ड्रास्टिकली अल्टर्ड द अर्थ इन अ शॉर्ट टाइम. नेम दिस एलिजाबेथ कॉलबर्ट्स वेल रिसर्च्ड बुक अक्रॉस डिसिप्लिन्स. ठीक है, इसमें ज्यादा कोई आपने ये इंटरप्रेट नहीं करने लगना इसको, जो डायरेक्ट ऑन सर्फेस आपको चीज दिख रही है, दैट वन इज द राइट ऑप्शन हेयर, द सिक्स एक्सटिंक्शन एंड अ नेचुरल हिस्ट्री. ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, पर ये सबके लिए अनप्रडिक्टेबल है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइक समबड़ी एल्स हैज स्टडीड दिस. कब कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो वो सबके ही फेवर में होते हैं फिर. द स्पीच इज फॉर्म द स्पीच इज फ्रॉम वन ऑफ द शेक्सपियरियन प्लेज. दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस सेप्टर्ड आयल, दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी, दिस सीट ऑफ मास, दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज, दिस फोर्ट्रेस बिल्ट बाय नेचर फॉर हरसेल्फ इज फ्रॉम द सी. रिचर्ड टू जॉन ऑफ गॉन्ट के ये लास्ट आपके वर्ड्स हैं, हिज डाइंग स्पीच इट वॉज. ठीक है, और अ रियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. सो ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं आपके. देन वी हैव हु शुड बिवेयर द आइडिस ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च है ना, सीजर शुड बी वेयर, राइट, दे आर आस्किंग हिम टू बी वेयर, हु सूद सेयर्स, भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति ने ये कहा था. देन कम्स अ 51, क्वेश्चन हियर, द मुद्रा राक्षस इज अ हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत रिटन बाय विशाखा दत्ता. ठीक है, चाणक्य भी उसमें एक करेक्टर है आपके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्या पे आपका ये प्ले है, चंद्रगुप्त मौर्या पे है ना, मौर्या पे इसके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं. सो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपने ये तुलसीदास, ये कालिदास और चाणक्य, इनके जो मेन वर्क हैं, ठीक है, जैसे कि विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस है, सो इनको भी आपने देख लेना. ठीक है, और ये इंडियन लिटरेचर में से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं. हु स्टेटेड ऑल द आर्ट्स आर ब्रदर्स, ईच वन इज अ लाइट टू द अदर्स. अब ये बड़ा ही मुश्किल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे भी इसको सर्च करने में थोड़ा टाइम लगा है ना. सो बी इज द राइट ऑप्शन हियर. ठीक है, और जितना मेरा सर्च रहा है उसके मुताबिक इसका जो है बी ऑप्शन सही है. ठीक है,
बिकॉज ही सींग ऑल द आर्ट्स एज इक्वल, और ये ह्यूमनिस्टिक एक अप्रोच है, और यू नो आपका ह्यूमनिस्ट दौर था, योरेनेसां पीरियड, राइट? दिस इज वेयर दिस ह्यूमनिस्टिक आइडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस, दैट यू स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू द रीजन देन टू द फेथ और टू द रिलीजन, ठीक है? तो उसका कुछ एक लिंक है यहाँ पे, एंड ऑल द आर्ट्स आर ब्रदर, ईच वन इज अ लाइट टू द अदर्स, सो पेट्रार्क इज द राइट ऑप्शन हियर. द मीडियम इज द लैंग्वेज इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय, अब ये तो बहुत ही फेमस आपका कोट है, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, अपनी एमए कर रहे हो, तो हर कोई तीसरा आदमी इसको जो है कोट करता रहता है कि मीडियम इज द मैसेज, राइट? सो मार्शल मैक्लूहन आपका एक कम्युनिकेशन एंड मीडिया थियोरिस्ट, ये हैं फ्रॉम कनाडा, सो ही इज द वन. रेमंड विलियम्स, यू नो, ही इज अ मार्क्सिस्ट एंड अ कल्चर थियोरिस्ट. होमी के भाभा इज अ पोस्ट कॉलोनियलिस्ट. स्टीफन ग्रीनबॉल्ट इज अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट, राइट? Which of which or who of the following is not associated with the cultural studies approach? So it is your David Easton. He is a political theorist. Louis Althusser ka bhi impact culture studies pe hai. Ye jo structuralism ke angle se Marxism ko padhte hain. That was being studied by these cultural theorists. Theek hai, Richard Hogarth ne aur Raymond Williams ne. They have drawn the ideas from there. So Louis Althusser is associated with it. A is not. So A is the right option here. देखो, अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे मेरे क्लास में ही क्यों ना स्टूडेंट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो पीके नायर की कल्चर स्टडीज की बुक है वो तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि देखो यार, इन कॉन्सेप्ट्स को तो आप ना डायरेक्टली नहीं समझ सकते कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नहीं, जब से ये डीकंस्ट्रक्शन, ये थ्योरी आपके आए हैं ना into existence, तब से लेके वहां पे always a possibility for something else. आप एक radical explanation आप नहीं दे सकते हो, ठीक है? Exact कुछ भी नहीं है, ठीक है? Everything is overlapping. इसकी subtleties, intricacies are the ones. उसके बारे में आप बस observe कर सकते हो और एक long winded manner में लिख सकते हो. ऐसा ही अभी तक सारे theorists ने किया है. मतलब clip without clarity, which of these is not a contemporary theory of popular culture? Which of these is not a contemporary theory of popular culture? ठीक है, so as per my search, it is a B. String theory is not the one. बाकी ए रविश में और आपका थिंक थ्योरी में भी और एक्टर नेटवर्क थ्योरी में भी, इसमें it talks about the influences between the humans and the objects, ठीक है? वो किस तरह से अपना influence exert करते हैं एक दूसरे पे और उनका एक दूसरे के साथ क्या relationship है, ठीक है? ये mostly इसमें से आपकी theories कुछ जो है science में से आई हैं, कुछ आपकी theories में social science में से आई हैं, ठीक है? So string theory is not the one, right? So B is the right option here, ठीक है? मेरी research के मुताबिक ये चीज मुझे पता चली है. सो नाउ वी हैव इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की, द मिडिल क्लास इज डिस्क्राइब्ड एज, सो बारबेरियंस जो है आपका इलीट क्लास हो गया, ठीक है? फिलिस्टीन्स जो है आपका मिडिल क्लास हो गया, एंड पॉपुलेस आपका जो है लोअर क्लास हो गया. दीज आर द थ्री क्लासेस डिफाइंड बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड. कहां से आपका आया है ये? आपका ये प्रोज से है, ठीक है? प्रोज और कल्चर क्रिटिकल स्टडी आपका, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ये प्रोज राइटिंग्स में आपका ये वर्क मेंशन है. प्रोज आप कह सकते हो आपका, यू नो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तो नहीं है, इट्स इन द प्रोज राइटिंग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वाज डेवलप्ड बाय क्लिफर्ड गिट्स इन हिज बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, ठीक है? थर्ड स्पेस आपको पता है इसका है, थर्ड स्पेस आपको पता है होमी के भाभा का आपका टर्म है पेनोप्टिसिज्म. पेनोप्टिज्म अगर हम इसे समझें तो इट इज योर मिशेल फूको थिक डिस्क्रिप्शन इज द वन ही हैज गिवन, राइट? तो ये तो आपका लिटरेरी थ्योरी में से ही वर्क है. कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल अवेयरनेस बाय री रीडिंग कैनोनिकल कल्चरल टेक्स्ट्स इज
So closely aligned option is the literature and the environment studies. Here we will go with it. ठीक है जी, रीरीडिंग कैनोनिकल कल्चर टेक्स्ट इकोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोलॉजिकल अवेयरनेस बाय रीरीडिंग कैनोनिकल कल्चर टेक्स्ट इज द लिटरेचर एंड एनवायरमेंट स्टडीज. अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको नए नए स्टडीज के बारे में भी यहाँ पे पता चल रहा है. ठीक है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो तो ऐसे भी अवेयर रहते हैं, बट कुछ ना कुछ आपको हिंट्स यहाँ से भी मिल जाते हैं. 59. अकॉर्डिंग टू एडवर्ड साई द आइडिया ऑफ कल्चर इज टाइड टू नोइंग हाउ कॉलोनियल आइडियोलॉजी फॉल्सिफाइज कम्युनिटी रिलेशन. ठीक है, ए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है. ठीक है, और ओके, लेट्स मूव फर्दर. द टर्म मोजैक इज यूज टू डिस्क्राइब द कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ. मोजैक आपसे क्या समझते हो? मोजैक मीन्स द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैव कम टुगेदर, राइट? मोजैक, पेस्टिश, ठीक है, अलग अलग चीजों को मिला के जो चीज बनती है. ठीक है, सो यूएसए इज द मेल्टिंग पॉट. तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं. ठीक है, हेट्रोजेनिटी टर्न्स इनटू द होमोजेनिटी. ठीक है, अलग अलग आपके कल्चर के एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, अलग अलग जगहों के लोग हमें यूएसए में देखने को मिलते हैं. सो यूएसए इज दैट प्लेस, राइट? द टर्म मोजैक इज यूज टू डिस्क्राइब द कल्चर फ्रेमवर्क ऑफ यूएसए. यहाँ पे हमें अलग अलग कल्चर्स के लोग देखने को मिलते हैं. आप इसे कल्चर स्टडीज का एक क्वेश्चन समझ सकते हैं यहाँ पे. देन वी हैव द सिक्स्थ वन. कंबाइन द स्टेटमेंट्स करेक्टली. अकॉर्डिंग टू होमी भाभा, मिमिक्री इज नॉट मेयर कॉपिंग और एम्यूलेटिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर बिहेवियर एंड मैनर. करेक्ट, सही है, बट इट इज फर्दर एम्ड एट परफेक्शन एंड एक्सेस. नहीं, वो नहीं हो सकता, परफेक्शन नहीं हो सकती. कैसे होगी परफेक्शन मिमिक्री में? मिमिक्री इज मेयर कॉपिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर बिहेवियर एंड मैनर. इट्स नॉट मेयर कॉपिंग द कॉलोनाइजर कल्चर बिहेवियर एंड मैनर, बट इज इन्फॉर्म्ड बाय बोथ मॉकरी एंड मेनेंस. मॉकरी तो है ये, ठीक है, एंड सर्टन मेनेंस भी होता है. इट ऑल्सो क्रिएट द डेंजर. अब वो डेंजर कैसे क्रिएट करता है? वेन यू नो इफ द कॉलोनाइज पीपल स्टार्टेड टू लर्न देयर ट्रेड, उनको वही सेम एजुकेशन दे दी जो उनके पास है, यू नो दिस इज एंड दैट्स द रीजन दैट दे प्लेड रियली वेल हियर. दे डिड नॉट प्रोवाइडेड द इंडियंस विद एवरीथिंग. ठीक है, दे कंट्रोल्ड इट. ठीक है, उन्होंने अच्छे से मैन्यूपुलेट किया कि क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है. दे डिसाइडेड रियली वेल, है ना, और उसके बाद चीजें उन्होंने अपने मुताबिक जो है की, अप्लाई की. अदरवाइज दैट वुड बी अ थ्रेट फॉर देम. अगर इंडियंस वो हर एक चीज सीख जाएंगे, उनको ही कॉपी करने लगेंगे, उनका हर एक अंदाज, उनकी जो भी नॉलेज उनके पास, उनके लिए अगर एक्सेसिबल हो जाएगी, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम. कहीं ना कहीं देर इज अ सर्टन मेनेस एज वेल. तो आपका जो है फर्स्ट एंड द फोर्थ इज द राइट ऑप्शन. मिमिक्री इज नॉट मेयर कॉपिंग और एम्यूलेटिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर बिहेवियर एंड मैनर, बट इज इन्फॉर्म्ड बाय बोथ मॉकरी एंड अ सर्टन मेनेंस, है ना. सो उस एंगल से होमी के भाभा इसे यहां पे देखते हैं. क्रिश्चियन मेट्स इज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर बेस्ट नोन फॉर पायनियरिंग अ साइंटिफिक अप्रोच इन द फील्ड ऑफ फिल्म स्टडीज. फिल्म स्टडीज में क्रिश्चियन मेट्स कहते हैं, ही सेड के जो आपका द फिल्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ड्रीम एंड द हेलुसिनेशन. ठीक है, और हेंस द थ्योरी ऑफ ड्रीम वर्क बाय द फ्रॉयड कैन बी अप्लाइड हेयर इन इट. ठीक है, ऐसे करके इनका आइडिया था.
ठीक है. सो क्रिश्चियन मेट्स इज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर बेस्ट नोन फॉर पायनियरिंग अ साइंटिफिक अप्रोच इन द फील्ड ऑफ फिल्म स्टडीज. ठीक है, फिल्म स्टडीज में ये है. इसमें तो ऑब्वियसली ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, इन दो के बीच एक होता थोड़ा, बट पोस्ट ह्यूमनिज्म में भी एक काफी क्वालिटेटिव सा एक रिसर्च एरिया है ये. ठीक है, तो ए वुड हैव बीन द ऑब्वियस वन. ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमने इगो क्रिटिसिज्म में हमने हमने इन्हें नहीं पढ़ा. ठीक है, फिर यहाँ पे पायनियरिंग दी साइंटिफिक अप्रोच इन द फील्ड ऑफ, फिर साइंटिफिक अप्रोच क्या अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टडीज में अगर आप साइंटिफिक अप्रोच में जाओगे तो फिर तो एआई आपका सारा काम कर देगा. फिर यहाँ पे हमें हमें क्या होता है, यहाँ पे मेन है आपके नुआंसेस, इंट्रीकेसेस, और जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, वो जो चीज है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. वो जो एक मीठा मीठा तीखा तीखा जो स्वाद है ना, वो इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज तो एआई तो वर्ड टू वर्ड तो वो ट्रांसलेट कर ही लेगा, पर जो इंटरनल एक देयर इज समथिंग दैट इंट्रिकेट मीनिंग व्हिच लाइज इनसाइड, उसमें आप साइंटिफिक अप्रोच लाके क्या करोगे. ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा अपना सिक्स्थ सेंस भी चलाना पड़ता है. हु अमंग द फॉलोइंग कोटेड फेमस फ्रेज नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन सो रिच टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन. हर वर्ल्ड इज ब्रेजन द पोएट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन. हाँ भाई, क्रिटिक्स बोलते हैं कि दैट यू कॉपिंग द नेचर, बट द नेचर नेवर सेट फोर्थ अर्थ इन सो रिच टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन. आपने कार्टून की दुनिया देखी है, कितनी अच्छी होती है. टिमोन एंड पुम्बा यूज टू बी माई फेवरेट शो है ना. तो जो रियल वर्ल्ड है और जो आपका वर्ल्ड है दैट द पोएट्स एंड द पेंटर क्रिएट्स, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हर हर वर्ल्ड इज ब्रेजन, द पोएट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन. ये आपका फिलिप फिलिप सिडनी से आपका ये वर्क, ये आपका कोट आया है. ठीक है, ओके. नाउ 64th क्वेश्चन वी हैव हियर. ईच एकोलॉग इन एडमंड स्पेंसर द शेफर्ड्स कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट मंथ. हर मंथ के लिए देयर वर द 12 इकोलॉग्स वी हैव, राइट. आई थिंक इट वॉज योर, एज फार एज आई कैन रिकॉल, इट इज 1579 में, राइट. देन वी हैव द 65th. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द कैवेलियर स्कूल ऑफ पोएट्री. तो ये फर्स्ट जो आपकी लाइन है, ये आपके सारे कैवेलियर ही यहाँ पे पोएट्स हैं. ठीक है, बिकॉज देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिटनिज्म. ठीक है, वो पहले ही अगेंस्ट थे. दे आर द वन हु सपोर्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द चार्ल्स, राइट. एंड या दिस इज हाउ इट एंड्स. और ये तो हम कहीं आगे आ गए अपने मॉडर्न एरा में. तो ए इज द राइट वन. 66. शेडवेल अलोन ऑफ माई सन्स. ठीक है, शेडवेल अलोन हु स्टैंड्स कंफर्म्ड इन ऑल स्टुपिडिटी. दीज फेमस लाइन्स रिटन बाय जॉन ड्राइडन आर टेकन फ्रॉम द पोम. अब सैलोमन एक्यूटोफेल नहीं है आपका, ये मैक फ्लैकनो है, सटायर है. ठीक है, तो इवन दो ऑल ऑफ दीज फोर वर्क्स आर बाय ड्राइडन. ठीक है, तो इनके पब्लिकेशन डेट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ये आप याद करके जाना. और इनका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी. अब सैलोमन एक्यूटोफेल आपका पोलिटिकल एलिगरी है, ये भी आपने देख के जाना. 67. अ फेमस पोएटिक लाइन देन स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड. ठीक है, डंडे लगाने पड़ते हैं बच्चों को, वो ऐसे नहीं सुधरते हैं, वो जरूरी है ये. और ये सही कहा है. इज अ पॉपुलर इंग्लिश फ्रेज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड इज टेकन फ्रॉम विच पोम. हुडीब्रास, ठीक है, सैमुअल बटलर, राइट. सो ही इज द वन हु रॉट दिस पोम एंड दिस इज वेयर दिस इज बीइंग यूज. और ये बाइबल से आपका आया है. ठीक है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड. ठीक है, एंड इन हुडीब्रास इट वॉज यूज बाय द सैमुअल बटलर. ओके, तो सैमुअल बटलर में ना एक बड़ी कंफ्यूजन होती है. एक आपका न्यू क्लासिकल एज में भी आपके सैमुअल बटलर हैं, और एक सैमुअल बटलर आपके विक्टोरियन एज में भी है ना. 68th. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेवयार्ड पोएट.
तो फ्रांसिस थॉम्सन आपके यहाँ पे ग्रेवयार्ड पोइट नहीं है, क्योंकि ये सारे फैक्चुअल बेस्ड हैं। अब इसमें क्या डेप्थ में हमने जाना है ना, ये आपने याद रखना। ग्रेवयार्ड पोइट्स अराउंड योर रोमांटिक एरा दे केम, मतलब टुवर्ड्स द एज ऑफ, आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी से लेकर रोमांटिक एरा तक, ठीक है, दे यूज टू राइट अबाउट द डेथ। ठीक है, डेथ उनका मेन एक थीम रहता था उनके वर्क में। सो पी बी शेलेज फेमस वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइजी पोइट्री वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पिकक्स आर्टिकल। ठीक है, ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक वर्क है, वेरी फेमस वन। ठीक है, एंड द टाइटल इज ड्रिवन इज टेकन फ्रॉम योर फिलिप सिडनीज वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री, उनका भी था, और अपोलॉजीज टू पोइट्री भी था उनका। ये सेम ही वर्क था, बस उनके दो एडिशन आए थे अलग अलग। इसमें भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट पी बी शैले ने तो एक ही नाम से इसे पब्लिश किया था, दैट इज द डिफेंस ऑफ पोइट्री, विच वॉज द रिस्पॉन्स टू द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, थॉमस लव पिकक, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वुमेन पोएट ऑफ द रोमेंटिक एरा, सो दैट इज योर फेलिशिया हेमंस। ठीक है, फेलिशिया हेमंस, एंड दैट इज प्राइमरली आई वुड से शी वॉज फ्रॉम अ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। ठीक है, शी वॉज फ्रॉम द अपर क्लास, सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन। और ये कल्चर स्टडीज में ये बात होती है, फेलिशिया हेमंस को पढ़ा जाता है कल्चर स्टडीज में, दैट यू नो इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ब्लरिंग द बाउंड्री बिटवीन द हाई क्लास एंड द लोअर क्लास। कि क्या ऐसी चीज है कि आप हमेशा शेक्सपियर को ही पढ़ते हो, बिकॉज इट इज नॉट मेयरली हिज वर्क ओनली, आपका वर्क ही काम नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती है। कि उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया, उसको क्रिटिकली एनालाइज क्यों किया गया, कि कहीं ना कहीं समवेयर देयर वाज अ इमेंस सपोर्ट वाज शोन बाय द कोर्ट, द रॉयल कोर्ट। ठीक है, मोनार्क, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, उनको मौके मिले, तो इसीलिए यू नो द क्रिटिक्स ऑल्सो केम एंड दे वर प्राइमरली फ्रॉम द इलीट सेक्शन। जो आपका क्रिटिक होता है, ठीक है, इन दोज टाइम्स, ठीक है, योर फिलिप सिडनी इज द वन, कोर्टियर, अ जेंटलमैन, ठीक है, शिवेलरस गाय, ठीक है, वो आपके लिटरेरी क्रिटिक हुआ करते थे, और वो इम्पोर्टेंस देंगे उन्हीं वर्क को जो उन्हें देखेंगे इन द रॉयल कोर्ट। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं हिस्ट्री, आपका पॉलिटिक्स, दैट हैज अ इक्वल रोल टू प्ले। आपका ये खाली वर्क ही मैटर नहीं करता, जैसे कि आपके न्यू क्रिटिक्स बोलते हैं कि आप कंटेंट ऑफ फॉर्म पे फोकस करो, उसी के बेस पे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हम ऐसे भी रेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते किसी भी थ्योरी के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे चीजें ओवरलैप होती रहती हैं, और आप लोगों को ये बातें मेरी एब्स्ट्रैक्ट सी लग रही होंगी, सो इट्स बेटर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर। विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएटिक लाइन्स, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएटिक लाइन्स, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, अपीयर्स इन द पोम टिंटन एबे। ठीक है, सो टिंटन एबे में आपका ये these lines appeared, and the silent listener is his sister Dorothy, है ना। Dorothy is a silent listener here in this poem. All four are written by him. ठीक है, all four are written by him. तो आप इनके बारे में भी, इनके भी important lines हैं, तो वो भी आपने देख लेना है। Then 72. Which of Alfred Tennyson's poem is called as monodrama? The mode, a monodrama. ठीक है, इसका subtitle इसे a monodrama दिया गया, even though आपका Tithonus भी आपका monologue ही है। ठीक है, mostly ये poems आपके monologues हैं। I think आपका Ulysses भी आपका monologue ही है। तो पहले तो मैंने उस तरीके से सोचा कि यार ये monologues होंगे, like क्योंकि यहाँ पे आपका mono है वर्ड, बट इट इज द मोड, ए इज द राइट ऑप्शन हियर। देन वी हैव 73, विच इंडियन राइटर एंड एजुकेटर हैविंग अ धारवाड कनेक्शन विद गिरीश कर्नाड, शशि देश पांडे, इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क गोवा अ डॉटर स्टोरी, सो इट इज द मारिया पुयुटो, राइट, शी हैज रिटन अबाउट
the history of Goa, when those Portuguese came there, and how that that industrialization happened. Ek history hai Goa ka. She has mentioned that in this work. Then the 74th question, select the odd one incorrect option out. Theek hai. So Mahesh Rakesh is not the Konkani writer. He was from Amritsar, and he has written, he is the Hindi writer. Theek hai. Hindi literature unhone likha hai. Konkani nahi. So B is the one here. बादल सरकार आपके आपके ये कोलकाता से हैं, तो ये सब सही हैं, आपके सही मैच हुए हैं. 75th, the term comedy of menace was used by British playwright David Campton in the title of his play The Lunatic View, Comedy of Menace. Irving Waddle used this term for the following playwright. Harold Pinter के लिए उन्होंने ये यूज किया था. ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनेस हमें उनके प्लेज में देखने को मिलता है. ठीक है, सो आपके लिए ये क्वेश्चन भी इन इटसेल्फ अ नोट फॉर यू कि द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनेस वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश प्लेराइट डेविड कैम्प्टन इन द टाइटल ऑफ हिज प्ले द ल्यूनेटिक व्यू. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं. देन वी हैव द अनदर क्वेश्चन हियर, वाल्डन 1854 का आपका पब्लिश हुआ था ये. रिकॉर्ड्स हाउ Henry David Thoreau tested his distinctive and radically individualist version of transcendental values by withdrawing from societal complexities and distractions to a life of solitude and self-reliance in a natural setting at Walden Pond. So, transcendentalist writers se kafi achhe questions aapke bane hain yahan pe, hai na? Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Martin Luther King, a great orator. 77. What is common in Albert Camus, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet, Jean Paul Sartre, Theatre of Absurd? ठीक है, ये important है. Then we have here this comprehension extract excerpt from a non-fiction prose. ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे एक्सर्प्ट है, इट इज टेकन फ्रॉम द टू कल्चर रीड लेक्चर्स है ये बाय सीपी स्नो इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ठीक है, इन्होंने ये बात की है यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के ऊपर. लेट्स गिव इट अ क्विक रीड. द क्लैशिंग पॉइंट ऑफ टू सब्जेक्ट्स, टू डिसिप्लिन्स, टू कल्चर्स ऑफ टू गैलेक्सीज, सो फार एज दैट गोज आउट टू प्रोड्यूस क्रिएटिव चांसेस इन द हिस्ट्री ऑफ मेंटल एक्टिविटी दैट हैज बीन वेयर सम ऑफ द ब्रेक थ्रू. The chances are there now, but they are there, as it were, in a vacuum, because those in the two cultures can't talk to each other. It is bizarre how very little of 20th century science has been assimilated into 20th century art. Of course, that isn't the way that science could be any good to art. It has got to be assimilated along with, as part and parcel of time of our the whole of our mental experience, and used as naturally as the rest. So excerpt is coming from the CP Snow, we already said that. What does the concept of the two culture refers here? The culture divide between different regions of the world, the perceived gap between science and humanities. Yes, that is. According to the work, what was the main consequence of the divide between the two cultures? According to the work, what was the main consequence of the divide between the two cultures? A lack of appreciation for the art, mutual incomprehension, and lack of communication. Right? That would be the right one. According to the work, what was the main consequence of the divide between the two cultures? Nahi. Limited career opportunities for scientists and humanities. If you don't know, when they both will not come together, ye to reason ho gaya na aapka. Ye to reason ho gaya. Mutual incomprehension and a lack of communication to aapka reason ho gaya, which is causing this. So C is the right one. Yahan pe pata chal jata hai,
यहाँ पे निकल जाती है सारी होशियारी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लाइक आपको पता है, बट लाइक व्हेन यू हैव टू डू द इंटरप्रिटेशन देन इट शोज द रियल फेस ऑफ यू। 81st, व्हाट डिड द ऑथर एडवोकेट फॉर इन रिस्पॉन्स टू द डिवाइड बिटवीन द टू कल्चर्स? व्हाट डिड द ऑथर एडवोकेट फॉर इन रिस्पॉन्स टू द डिवाइड बिटवीन द टू कल्चर्स? व्हाट आइडिया ही इज सपोर्टिंग हियर? द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। द ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज? बिल्कुल सही। द पैट्रियटिज्म, द prioritization of scientific education over B, हमें अपना आंसर मिल गया है एंड दिस इज द राइट वन। सो पता ना आपने कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? और बाकी आप अपना मॉक टेस्ट जो है आप शुरू कर दो, मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है? आपका ऐप पे टेस्ट सीरीज है बोथ फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है? और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है 599 पे, उस पर आप कुछ GST वगैरह पढ़ के वो 614 का पड़ेगा आपके। दिसंबर तक मैंने उसे वैलिड करके रखा है, यू कैन बाय दैट नाउ, अभी उस पर ऑफर रन हो रहा है, ठीक है? बाकी आपके तीनों चीज़ें आपको एक कॉम्बो में मिल जाती हैं, योर वीडियो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपका हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, सब कुछ, राइट? सो कॉन्टैक्ट नंबर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू अप देयर, और बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको सारे कॉन्टैक्ट्स एंड लिंक्स यू विल गेट, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग poem by Robert Browning has sections, namely morning, noon and evening, night. So, Pipa Passes में हम ये देखते हैं, ठीक है? And that was all happening in a dream. So, ये moral lesson, right? Those that values she goes on teaching, ठीक है? That how we should thank for each day, right? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक कोट है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। All well with the word God is in heaven. एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, I'm forgetting that. आते आते भूल रही है चीज। मैं तो ऐसे कुछ के all well in the world and God is in heaven. सीधी सी लाइन है, पता नहीं इतनी क्यों टेढ़ी हो गई है। 83, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म्ड बाय रोजेटी? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म्ड बाय रोजेटी? सो ऑब्वियसली यार, रॉबर्ट बर्न्स को हम कहाँ मिलते हैं? वे लेटर, नो, प्री रेफेलाइट, हाँ, रॉबर्ट बर्न्स इज नॉट द वन हियर, राइट? क्योंकि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड तो आपका आता है विक्टोरियन एज में, ठीक है? और रॉबर्ट बर्न्स आपके आगे हैं प्री रोमांटिक्स में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फ्लेयर एडकॉक, ठीक है? बाकी ये तीनों आपके जो हैं वर्ल्ड वॉर पोएट्स हैं। Famous poetic line, things fall apart, the center cannot hold, appears in which of the W.B. Yeats poem? Chinua Achebe ke novel ka, this is the title, theek hai, and it is being taken from W.B. Yeats poem, Second Coming. Leda and Swan is equally important, Among School Children is important, Easter 1906 is important. Iske aap na first lines aap dekh lena, aur the central ideas kya hai, theek hai, iske characters kya hai, ये भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एच ऑर्डन्स डायस्टोपिक व्यू ऑफ वॉर एंड सिविलाइजेशन इज बेस्ट रिकॉर्डेड इन द अनोन सिटीजंस। ही सेड दैट कि जो ऑडियंस के जो आपका जो गवर्नमेंट है ना, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि हाउ हैप्पी द पीपल आर, कि वो कौन है, वो कहाँ से आते हैं। नो नो, वी दे जस्ट सिंपली अप्लाई द स्टैटिकल मेथड टू अस, कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सिख हैं, कितने हेल्दी हैं, ठीक है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वी आर सिंपली द नंबर्स फॉर देम। हम नंबर से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है, हम नंबर से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है। एंड इन फ्यूचर दे माइट, यू नो, असाइन अस नंबर इंस्टेड ऑफ नेम,
कोई कोड ही मिल जाएगा हमें. सो ये दिस इज ही हैज रिटन दिस वर्क इन अ डायस्टोपियन फॉर्म. सो बी इज द राइट वन हियर. 87th, द टर्म द मूवमेंट टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोएट्स इन 1954 वाज कॉइन्ड बाय द मूवमेंट टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोएट्स इन 1954 वाज कॉइन्ड बाय जे डी स्कॉट इज द वन. जे डी स्कॉट इज द वन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट हियर. किंग्सले एमिस तो आप जानते हो, राइट, एंग्री यंग मैन. किचन सिंक ड्रामा में आपके जॉन वेन भी है, राइट. देन वी हैव द 88. हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द फ्रेज इगो टिस्टिकल सबलाइन. इट वॉज बाय द जॉन कीट्स एंड ही रॉट दिस लेटर टू हिज फ्रेंड रिचर्ड वुड हाउस को. उन्होंने ये लेटर लिखा था वे ही राइट अबाउट के and it was this term was referred to the Wordsworth. He said that he simply want to, you know, he simply want to introduce his own view. ठीक है, जो बाहर जो एक एक इमेज वर्ड्सवर्थ बना के रखते हैं दैट ही इज नॉट वेरी लीनियर इन हिज अप्रोच, बट ही इज राइट. ही सिंपली राइट वट ही थिंक्स, हिज व्यू मैटर्स द मोस्ट इन हिज वर्क. ही इज नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इंटायर ह्यूमैनिटी, इंटायर नेचर. ठीक है, वो यूनिवर्सलिज्म नहीं है उसकी पोइट्री में, थ्रू हिज पोइट्री. बट ही फाउंड दैट ही सिंपली वॉन्ट टू पुट हिज आइडियाज फॉरवर्ड. तो ईगो में ईगो है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम. ठीक है, सबलाइम होता है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज के आगे, पर वो ईगोटिस्टिकल सबलाइम है. सो इट वॉज रिटन, इट वॉज अबाउट द वर्ड्सवर्थ, रिटन टू दी रिचर्ड वुड हाउस. सो इनका मोस्टली जो हमें क्रिटिसिज्म मिलता है दैट इज इन दी लेटर्स, राइट. अ पर्सन हु हार्बर्स नो एब्सोल्यूट्स एंड अप्रिशिएट्स लॉजिकल अल्टरनेटिव्स अडेयर्स टू. यहाँ पे आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच नजर आई होगी, दैट हु डजंट, हु हार्बर्स नो एब्सोल्यूट्स एंड अप्रिशिएट्स लॉजिकल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, जब नो एब्सोल्यूट्स आर यू फाउंड लाइक नहीं रिलेटिव ट्रूथ एंड ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स. बट द राइट ऑप्शन हियर वी हैव इज द लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज द राइट वन. ठीक है, सी जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे है. देन अगेन ये भी आपका रिसर्च में ही है. ठीक है, रिसर्च. नाउ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डीकंस्ट्रक्शन. बेस्ट डिस्क्राइब, और ये क्वेश्चन हम कर रहे थे डिस्कस इन द क्लास भी, जहाँ पे मोस्टली बच्चों ने भी इसी के साथ वो गए कि यू नो इट इज अ क्रिटिकल मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, राइट. इट इज नो, इट इज अ प्रिमिटिव. यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने प्रिमिटिव लिखा है. हाँ, पर ये वहां पे लिखा था आपका इट इज या सेम था, बट दे पेड अटेंशन ऑन दिस कीवर्ड. क्रिटिकल एनालिसिस का मेथड है ये, बट ए इज द राइट वन हियर. इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सेंटर्ड डिस्कोर्स. ठीक है, इसका प्राइमरी फोकस रहता है कि आपका जो लैंग्वेज है वो क्या है, अनरिलायबल है. ठीक है, सो सेंटर्ड डिस्कोर्स मतलब आप सिंगुलर, आप एक ही चीज पे फोकस करते हो, यू आर ट्राइंग टू डिफाइन अ सिंगुलर मीनिंग. ठीक है, ये सेंटर्ड डिस्कोर्स को क्या है ये इंपॉर्टेंस नहीं देता, इट डीकंस्ट्रक्ट्स इट, इट गोज इनटू द प्रोसेस कि ये आपका सेंटर डिस्कोर्स कैसे डेवलप हुआ. इट इज नॉट मच फोकस्ड ऑन ड्रॉइंग द मीनिंग बट रादर नोइंग दैट हाउ दैट मीनिंग वाज फॉर्मुलेटेड. तो ए इज द राइट वन हियर. हु कॉइन्ड द टर्म थर्ड वेव फेमिनिज्म. ठीक है, तो ये अलाइस वॉकर्स डॉटर रेबेका वॉकर. ठीक है, इन्होंने ये टर्म यहाँ पे कॉइन की थी एंड अपनी माता जी का नाम उन्होंने रोशन किया. नाउ 92, जेरोम मैगन रेडिएंट टेक्सचुअलिटी इज अ पायनियर वर्क इन द फील्ड ऑफ. अब आपको क्या लगता है कि कहाँ पे उसका है रेडिएंट टेक्सचुअलिटी. ठीक है,
रेडियंट मीन्स योर लाइट शाइनिंग, सेक्सुअलिटी, ठीक है, तो ये तो आपका डिजिटल में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से भी आपको कई बार रेफरेंस क्रिएट करने पड़ते हैं अपने। ए इज द राइट वन हियर। इसका अगर सबटाइटल यहाँ पे होता, दैट वॉज दी आई वुड से इट वॉज द लाइफ आफ्टर दी वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ या राइटिंग आफ्टर दी वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे करके इसका सबटाइटल है। इफ इफ दैट वॉज गिवन देयर यू वुड हैव इजिली पिक्ड दिस फर्स्ट वन, और आप में से बहुत से लोगों ने इसे पिक किया भी होगा, क्योंकि सब द टाइटल ने एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था। 93rd, इन वट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लिटरेचर डिड न्यू हिस्टोरिसिज्म ओरिजिनेट, ठीक है, तो ये रेनेसां, इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लिटरेचर न्यू हिस्टोरिसिज्म ओरिजिनेट, इवन द रेनेसां आपका जो है राइटिंग भी है, इट वॉज रिटन इन कोलेबोरेशन विद समवन एल्स बाय द स्टीफन ग्रीनबॉल, ही इज द फाउंडिंग फिगर ऑफ द न्यू हिस्टोरिसिज्म, और इससे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द कल्चर, कल्चरल पोएटिक्स, राइट। ग्रीन स्टडी टेक्स इट्स बियरिंग फ्रॉम, फर्स्ट देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन द ट्रांसडेंटलिज्म एंड द रोमांटिसिज्म, बट देन लेटर इट केम टू माइंड के रोमांटिसिज्म के बाद ही तो आपका ट्रांसडेंटलिज्म भी इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है, पहले आपका रोमांटिसिज्म ही आया, तो ग्रीन स्टडीज टेक्स इट्स बियरिंग फ्रॉम दी रोमांटिसिज्म, ए इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। अब ये सारे ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो मतलब और है भी वही, यू नो राजगद्दी उसे ही मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। मैं तो चाहता भी नहीं, चलो इतना भी क्यों कहना किसी के लिए, बट हाँ कि अगर किसी ने सच्ची मेहनत की है, दे रियली डिजर्व, है ना, दे रियली डिजर्व द फ्रूट ऑफ सक्सेस, तो उन्हें तो मिलना चाहिए, जिस इंसान ने मेहनत की है उसे मिले, अगर नहीं फिर भी मिले तो संघर्ष करो, ठीक है, और हैव अ ग्रैंड लाइफ, ठीक है, जो संघर्ष जो है उन्हीं लोगों की जिंदगी में होता है जिन जिनके रास्ते में कुछ अभी बहुत यू नो कुछ होना बाकी है, ठीक है, आपकी जो जीत होगी वो छोटी मोटी नहीं होगी, दैट विल बी ग्रैंड, दैट विल बी ह्यूज, ठीक है, बस आप मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज फोकस्ड ऑन कंसिडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज फोकस्ड ऑन कंसिडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, द रीडर्स लर्न टू रीड, नहीं, हाउ रीडर्स इमेजिन विजुअल इमेजेस इन अ टेक्स्ट, नहीं, हाउ रीडर्स पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, हाउ रीडर्स पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, ये सही है, सो सी इज द राइट वन। सी ऑप्शन में सारे सही आंसर दिए होते हैं, ऐसा नहीं है। एडवर्ड साइड पॉइंट्स टू फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, दे आर लेटेंट हिडन इंटेंशंस, द थिंग्स यू डू नॉट नो अनअवेयर अबाउट एंड द मैनिफेस्ट राइट दैट यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हिडन थिंग्स। आपका लेटेंट एंड मैनिफेस्ट आपके दो फॉर्म्स हैं यहाँ पे, दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द ओरिएंटलिज्म, वी कैन से एडवर्ड साइड पॉइंट्स टू टू फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, दे आर द लेटेंट एंड द मैनिफेस्ट। ओके नाउ आपका अब ये पैराग्राफ यहाँ पे है, हमें यहाँ पे तीन पैराग्राफ देखने को मिले हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, अ गुड थिंग, दे आर ट्राइंग टू एनालाइज योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर क्रिटिकल रीडिंग स्किल, बहुत अच्छी चीज है ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फेमस प्ले, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 97 to 100 दैट फॉलो, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, ओ दाउ आर फेयरर देन द इवनिंग एयर, क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 stars, ब्राइटर आर दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर व्हेन ही अपीयर टू हैपलेस सेमेल, मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई, इन वॉन्टन एरेथ्यूजाज एज्योर आर्म्स
and none but thou shalt be my paramour. What is the playwright of who is the playwright of the given excerpt? William Shakespeare? No. Christopher Marlowe? Yes. What mythological reference is made in the lines, "Brighter art thou than flaming Jupiter," when he appeared to hapless Semele? So, ये आपका story of Semele है, who was impregnated by the Zeus and bo and fathered him a son, Dionysus. All right. So that's the story here. The line was this, the face that launched a thousand ships and burned the topless towers of Ilium is associated with which legendary figure? Helen of Troy. Right? Which literary device has been used here in the following line? Was this the face that launched a thousand ships? Yeah, aapka hyperbole hai, exaggerating here. C is the right option. And now this is your time to shower the comment section with your love and appreciation and the compliments, right? Okay, we did all the 100 questions here. So, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए इसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिए बच्चों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिमाचल को पता होना चाहिए देयर इज़ भूपेश शर्मा ही इज़ टीचिंग यू हेल्पिंग यू गाइज इन अचीविंग द ग्रेट सक्सेस ठीक है और वी वॉन्ट टू क्रिएट मोर एंड मोर कॉन्शियस बींग फ्रॉम अवर ओन हिमाचल प्रदेश अभी हिमाचल प्रदेश का दौर है ठीक है अब हमें जो है वर्ल्ड के मैप पे इंडिया के मैप पे छाना है तो यही है मेरी दुआ भी और आप लोगों से अर्ज भी कि हमें आगे बढ़ते जो है चलते रहना है सो ठीक है जी यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप वहां से जो है अपना ये कॉन्टैक्ट आपको ने ये यू नो कोर्स में एनरोल करना है आप कर सकते हैं राइट डाउन योर सजेशन एंड थिंग्स योर स्कोर्स एंड व्हाटएवर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई सी यू सून ठीक है इन द अपकमिंग वीडियो टिल देन टाइम कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग This is Bhupesh Sharma, signing off.